नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। इससे पहले हमने जाना था जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है और मैग्नेटिक डिप है, जिसको हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं मैग्नेटिक डिप को। तो उन दोनों टॉपिक के बारे में हमने समझा। अगर वो अच्छी तरह से हम समझ गए हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी हम आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए वो दो टॉपिक जो है आपको जरूर समझने हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें वो क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है टोटल, तो उसका जो ये कंपोनेंट की बात की गई है, कंपोनेंट है उसका, कौन सा कंपोनेंट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या थी, ये फिगर हमने देखी थी। यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी थी, ये थी हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये थी हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये कौन सी थी, ये जियोग्राफिक मेरिडियन थी। अब ये कहता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी टोटल इंटेंसिटी, हमने मैग्नेटिक डिप को पढ़ा था, उसके अंदर हमने इस तरफ ये जो एंगल था ये डेल्टा लिया था, जिसको हम मैग्नेटिक डिप बोलते थे। अब इसी का ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसने इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की है, इस जो इंटेंसिटी है टोटल जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि इसका कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारे पास, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसको हम वी से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इसमें बात की गई है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हम कह रहे हैं कि एच है। अब यहां पर देखिए, ये जो दो कंपोनेंट हमारे पास बने हैं, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए रिजल्टेंट है, इसको आर से हम डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एच है ये हो जाएगा आर कोस डेल्टा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, ये वाला जो कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन डेल्टा, यही होगा। तो अगर इन दोनों रिलेशन से हम देखें, इन दोनों को स्केयर करके ऐड कर दें, हम करें क्या कि स्केयर एंड ऐड, इन दोनों को स्केयर कर दें और ऐड कर दें, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एच स्केयर प्लस वी स्केयर इस तरफ लेफ्ट की तरफ, और इस तरफ क्या आ जाएगा, आर स्केयर, यानी कि ये है दोनों में से आर स्केयर कॉमन ले लें, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास कोस स्केयर डेल्टा प्लस साइन स्केयर डेल्टा, यही आ जाएगा। यानी कि जो कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा वो क्या होता है हमारे पास, वो तो वन ही होता है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, एच स्केयर प्लस वी स्केयर इक्वल टू आर स्केयर आ जाएगा। और अगर हम आर की वैल्यू को निकालें, इस आर की वैल्यू को, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट एच स्केयर प्लस वी स्केयर। तो यहां से हम इस आर की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारी होगी जो R है, यानी कि जो एक तरह से रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड आपने निकाला। इसी तरह से अगर आप जो है टेन डेल्टा को निकालना चाहते हैं, तो वो भी आप इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी कि इसको वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड कर दें, तो वी बाई एच आ जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट को जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर बनता क्या है, टेन थीटा बनता है, यानी कि टेन डेल्टा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारे पास, टेन डेल्टा या टेन थीटा, तो वी बाई एच हो जाएगा। वी बाई एच का मतलब क्या है, यहाँ पर आर कोस डेल्टा आर साइन डेल्टा, ये पहले तो हम इसकी वैल्यू ही पुट कर देते हैं, यहीं से निकल आएगा ये, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आर साइन डेल्टा डिवाइड में आर कोस डेल्टा, यही आ गया। आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस, ये टेन होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली टेन डेल्टा, यानी कि इस ट्रायंगल से भी आप समझ सकते हैं कि टेन डेल्टा क्या आएगा, वी बाई एच, या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें और तब भी आपको ये टेन डेल्टा मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, जो ये हमने वैल्यू निकाली है, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन की बात करें, सिर्फ इसकी, तो यहां पर अगर हम डेल्टा की वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर देते हैं, 90 डिग्री, तो क्या होगा, डेल्टा 90 का मतलब क्या है कि ये जो है बिल्कुल सीधी हो जाए, इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए, ऊपर की तरफ, तो डेल्टा 90 होगा, यानी कि एच जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, कोस 90 क्या होता है, जीरो, तो एच वहां पर हमारा जीरो हो जाएगा।
जहां पर डेल्टा 90 होगा। अब डेल्टा जो है 90 है कहां? मैग्नेटिक पोल्स पर, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहां पर। तो जैसे हमने मैग्नेटिक डिप को पढ़ा था कि जो नीडल है वो दिखाती है कि कहां पर वो 90 है, कहां पर उसका जो भी एंगल होगा। तो अगर इसी तरह से अगर हम इसको देखें कि ये 90 हो, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वहां पर जीरो होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वहां पर होगा। यहां पर देखिए, अगर डेल्टा को 90 पुट करते हैं तो वी हमारा किसके बराबर आ जाएगा? आर के बराबर आ जाएगा। यानी कि डेल्टा को 90 डिग्री पुट करते हैं किसके अंदर? वी के अंदर। तो वी हो जाएगा हमारा आर के बराबर, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो यहां पर वी इक्वल टू आर का क्या मतलब है कि पोल्स के ऊपर एच तो हमारा जीरो रहेगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हमारा इस आर के बराबर रहेगा, क्योंकि वर्टिकल वर्टिकल वहां पर रहेगा। तो इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप डेल्टा को जीरो पुट करते हैं, तो यहां पर ले लेते हैं, अगर हम डेल्टा को जीरो डिग्री पुट करते हैं तो एच हमारा आर के बराबर आ जाएगा। इस केस में कहां पर? इक्वेटर की बात की गई है। इसी तरह से अगर हम डेल्टा को जीरो पुट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, इसके लिए, तो वी हमारा जीरो हो जाएगा। कहां पर? इक्वेटर पर। तो ये जो बात की गई है इक्वेटर के लिए बात की गई है, ये जो बात की गई है ये पोल्स के लिए बात की गई है। तो इस तरह से आप जो है डेल्टा की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, और इक्वेटर और पोल्स के बीच में कहीं पर भी देखेंगे तो अलग अलग वैल्यू हमें मिलेंगी। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हमने पढ़ा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।